एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हिंद देश का झंडा, पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है। इस कविता में कवि ने भारत देश के झंडे के बारे में बताया है। तिरंगा किस प्रकार से भारत का गौरव है और वह हमें क्या शिक्षा देता है, तो अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंदुस्तान का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा और यह हमेशा ऊंचा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। केसरिया रंग जो इसमें है, जो ये आप लोगों को दिख रहा है, केसरिया रंग जो है ये सदा बल भरने वाला है, सादा है सच्चाई। और जो ये सफेद रंग है ये सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। और चक्र कहता है हर पल आगे कदम बढ़ेगा। और यह बीच में जो चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, यह चक्र बताता है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा और यह भारत देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। नहीं चाहते हम औरों को अपना दास बनाना। हम लोग यह नहीं चाहते कि कोई हमारा गुलाम बने या हम किसी को परेशान करें या उसे कोई परेशानी हो। नहीं चाहते हम औरों के मुख की रोटी खाना। मतलब हम लोग या भारतवासी किसी का हक नहीं छीनते हैं। हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और दूसरे को भी स्वतंत्र रहने देना चाहते हैं। सत्य न्याय के लिए हमारा लोहू सदा ही बहेगा और सत्य न्याय के लिए हमारा खून सदा ही बहता रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा और भारत देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। सागर पर लहराए झंडा, पर्वत पर लहराए। और ये भारत देश का झंडा सागर पे लहराएगा, पर्वत पे भी लहराएगा। जहाँ कहीं भी जाए झंडा यही संदेश सुनाए। और यह देश का झंडा जहाँ कहीं भी लहराएगा यही संदेश देगा, दुनिया में यही संदेश दे रहा है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा और हिंदुस्तान मतलब भारत का यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। ऊंचा सदा रहे झंडा, ऊंचा सदा रहेगा और यह झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। तो बच्चों, इस कविता से हमें भारत देश के झंडे की महानता की शिक्षा मिलती है। यह हमारे देश का झंडा, जिसे तिरंगा कहा जाता है, 3 रंगों से मिलके बना हुआ है। इन तीनों रंगों का अपना अलग अलग महत्व है। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, यह भारत देश की एकता और शक्ति को दर्शाता है। सफेद रंग शांति, सच्चाई और खुशहाली को दर्शाता है। और हरा रंग भारत की संपन्नता और प्रगति को दर्शाता है। इन तीनों कलर का क्रम निर्धारित होता है। केसरिया ऊपर रहता है, सफेद रंग बीच में रहता है और हरा रंग सबसे लास्ट में रहता है। तो इस तरह ये तीनों रंगों का अलग अलग महत्व है। ये तिरंगे के बीच में सफेद वाली पट्टी पे एक चक्र बना होता है। यह चक्र भारत देश की निरंतरता को दर्शाता है। और यह चक्र सारनाथ में अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो 24 घंटे को दर्शाती हैं। इस तरह यह झंडा हमारे देश का गौरव है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। इस कविता से हमें कवि के देश प्रेम का भी पता चलता है। तो बच्चों, इस तरह आपकी ये कविता खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस कविता की अभ्यास माला कराई जाएगी, तो आप लोग इस कविता को पढ़ लीजिएगा और अर्थ सहित याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।